बिहार में अब अवैध बालू खनन करने वाले लोगों की अब खैर नहीं। इसके तहत सरकार एक नई रणनीति की तैयारी कर रही है जो अवैध बालू खनन करने वाले माफियाओं के खिलाफ काम करेगी। इसे लेकर आज एक निजी कार्यक्रम में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिहार में हो रहे अवैध बालू खनन को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। फिर आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। ये आप जो जमीन पर जो गड़बड़ झाड़ा चलता है, जो कमी कमजोरियां होती हैं, आप लोगों ने इसको उजागर करते हैं। और आपने देखा होगा कि कई महीनों से बड़े बड़े अधिकारियों को ये सूचीबद्ध करके आज उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। वो कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, ये सरकार के मुख्य उद्देश्य। मेरे विभाग से जब आपने सवाल दागा है तो ये सवाल के जवाब यही है कि सस्ती दर पे आम लोगों को बालू मुहैया कराना, अवैध खनन को रोकना, ये दो पहलू होता है। तो अवैध खनन पे रोक लगाने के लिए सरकार हर कदम पे तत्पर है और सस्ती दरों पे बालू को उपलब्ध कराने में भी हम तत्परता दिखा रहे हैं। उसी कड़ी में जो भी वो बड़े अधिकारी हो, हमारे विभाग का अधिकारी हो, अंचलाधिकारी हो, BDO हो, SDM हो, सब के ऊपर जो भी इसमें अगर संलिप्तता पाई गई है उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। बिहार में अवैध बालू खनन पर लगाम लगाने को लेकर प्रदेश की नीतीश सरकार लगातार जरूरी कदम उठा रही है, बावजूद इसके तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में सरकार ने बालू तस्करी पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है। बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने कहा कि अवैध बालू खनन में शामिल लोगों की संपत्ति कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त की जाएगी। खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार अवैध बालू खनन, धुलाई और बिक्री पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी क्रम में लापरवाही बरतने पर पटना जिले के खान निरीक्षक निलंबित किए गए हैं। बेहतर व्यवस्था के लिए 16 खनन विकास पदाधिकारियों और 22 खान निरीक्षकों का तबादला भी किया गया है। बता दें कि बिहार के 2 जिलों के SP को बिहार पुलिस मुख्यालय बुलाया गया है, वहीं 1 SDO और 2 जिला परिवहन पदाधिकारियों को भी हटाया गया है। भोजपुर के SP राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के SP सुधीर कुमार पोरिका को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उन्हें पुलिस मुख्यालय में योगदान देने को कहा गया है। बिहार में अवैध बालू खनन के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए नीतीश सरकार ने पुलिस से लेकर प्रशासन के अधिकारियों को चलता कर दिया है। बालू माफियाओं से मिलीभगत के चलते सरकार ने 2 जिलों के SP के साथ साथ 2 अन्य जिलों के DTO को भी हटा दिया है। सरकार ने 1 SDO का भी तबादला किया है। अधिकारियों के स्थानांतरण और पद स्थापन को लेकर राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। भोजपुर और औरंगाबाद के SP समेत 5 अफसरों को हटा दिया गया है। तो इन्हीं तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे आप हेडलाइंस बिहार के साथ और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।